श्री सरयू तट गुप्तार घाट अयोध्या त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिने टूर में। और आज मैं हूँ फैजाबाद के गुप्तार घाट पर, जो अयोध्या के नाम से फैजाबाद को जाना जाता है। और हमारे किनारे देख सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है सरयू नदी। इस घाट का रामायण से बहुत ही ज़्यादा गहरा नाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान राम अपनी लास्ट स्टेज में जल समाधि इसी घाट पर लिए थे, जो अब गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। इसी सरयू में भगवान राम जो है अपने जीवन को समाप्त किया था जल समाधि के माध्यम से। तो पहले बहुत ही पुराना घाट हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया है। तो आज हम इस घाट के बारे में आप सभी को बताएंगे, साथ ही साथ इस पूरे घाट को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। और तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी मोटर बोट लगी हुई हैं। और सरयू का पानी जलस्तर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो बीच बीच में टापू बन गए हैं जो बालू के हैं। और इस पार से लोग फ़ोटो क्लिक कराने के लिए टापुओं पर भी जा जाकर जो है फ़ोटो अपना वीडियो शीडियो करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक स्पॉट है, वहाँ पर घूमने के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन बोट वाले आपका 50 से 60 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। अगर एक ही दो लोग हैं तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, अगर ग्रुप में है तो बार्गेनिंग करने पर थोड़ा कम भी हो सकता है। बाकी यहाँ से जहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से पूरा सरयू का ही दृश्य आप सभी को दिखाई देगा, पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा दूर तक। और हमारे पीछे इस तरफ में पूरा घाट है, और इस तरीके से यहाँ पर छतरियाँ बनाई गई हैं कई सारी, जो इस तरफ में दिख रही है। और यहाँ पर भी छतरियाँ हैं, इसको व्यू पॉइंट सरयू का बनाया गया है। यहाँ से बैठ के सरयू का जो पानी है और ये पूरा घाट देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, जो यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं उन सारे मंदिर को दिखाएँगे, और साथ ही साथ आगे की तरफ चलेंगे और जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई हैं और वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और ये वो मंदिर हैं किनारे किनारे, यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ के जो पहले एक राजा हुआ करते थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, तब से बीच बीच में इसकी डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है। और यहाँ पर लाइटें भी लगी हैं जो रात। तो दोस्तों अभी हम हैं गुप्तार घाट पर, और यहाँ का ये व्यू है देख सकते हैं। ये प्राचीन मंदिर है जिसे कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में राजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ के वो राजा हुआ करते थे 19वीं शताब्दी में। तो ये देख सकते हैं पुराना स्ट्रक्चर है, पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पर राम जानकी मंदिर है, चरण पादुका मंदिर, बाकी हनुमान जी के मंदिर है, भगवान शिव के छोटे छोटे 3-4 मंदिर स्थापित किए गए हैं। और ये देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा प्यारा ये घाट बना दिया गया। यहाँ पर देखिए लोगों का क्राउड भी रहता है, फ़ोटो वोटो शूट कराते रहते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों जैसा कि मैं दोपहर समय में आया हूँ और मंदिर का कपाट जो है बंद हो चुका है, जो राम जानकी मंदिर है यहाँ का प्राचीन। और यहाँ पर जो ये बाबा जी बैठे हैं, इन्होंने बताया कि 4 बजे खुलेगा। फिलहाल मैं आप सभी को दर्शन करा देता हूँ भगवान शिव की, और बाकी ये मंदिर का स्ट्रक्चर आप सभी लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो राजाओं द्वारा बनवाए जाते थे, वहाँ पर उनकी आर्किटेक्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा अनोखा हुआ कर। देखिए यहाँ पर ढेर सारे गेट बनाए गए हैं, लेकिन इन सभी गेटों को प्रॉपर बंद कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये लाइटें लगी हैं जो शाम होते ही जलाई जाती हैं, फिर इस बिल्डिंग्स का जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और यहाँ देखिए भगवान शिव की प्रतिमा है इस मंदिर में। और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, ये पेड़ है। और आगे की तरफ यहाँ पर शमशान घाट भी है, तो आइए हम आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया है, इस बोर्ड पर लिखा गया है माता सरयू जी की उत्पत्ति के बारे में, श्री सरयू तट गुप्तार घाट अयोध्या त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। ये यहाँ पर
श्लोक लिखा गया है, बाकी यहाँ पर लिखा गया है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से उद्धृत सरयू नदी के महात्म की पुराणों में प्रातः स्मरणी नदी बताकर प्रतिष्ठित किया गया है। पुराणों के अनुसार यह नदी अग्नि के उत्पत्ति के स्थान है। यह हिमाचल के स्वर्ण शिखर पर मानसरोवर झील से निकलकर पिथौरागढ़ काठ गोदाम टनकपुर पीलीभीत मैलानी बहराइच गोंडा होते हुए फैजाबाद वस्त्री अयोध्या पावन धाम को स्पर्श करती है, जो आगे जा कर के गंगा में समाहित हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं घाट पर जो फर्श होती है उस पर इस तरीके की पेंटिंग की गई है। चलिए दिखाता हूँ आगे इस पूरे घाट को जो सामने की तरफ बना है। यहाँ पर खाने के लिए बेल पुड़ी मिल जाएगा आप सभी को, ये देखिए। इस तरफ में लाइन से ये बोटें लगी हैं, जो भी लोग नाव में जो है घूमना चाहते हैं वो इस बोटों का सहारा ले सकते हैं बोट से। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ के बारे में लिखा गया है। ये टीन शेड है यहाँ पर बनाया गया है जो बैठने के लिए, और उपयुक्त यहाँ पर बेंचेस भी लगाई गई हैं और काफ़ी साफ़ सफाई है। इस तरफ उस तरफ तो थोड़ा बहुत गंदा था जहाँ मैं पहले दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और ये पूरा सरयू तट जो यहाँ का पार्क है, जो फैजाबाद का बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्क है, और ये ही पार्क है जो यहाँ पर पार्क के नाम से इतना बड़ा है। और यहाँ पर आप लोग जो है बोटिंग कर सकते हैं, जो आप लोगों को कहीं भी ले जाएंगे। इनका चार्ज उस हिसाब से रहता, दूरी के हिसाब से। कितना लेते हैं भैया वैसे बुक करके? 250। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई साहब ने बताया अगर बुक करते हैं 250 में आपको घुमा देंगे सरयू में, और अगर जो है पर पर्सन शेयरिंग में जाते हैं तो 50 रुपये चार्ज होगा एक लोगों का, जो आप आसानी से यहाँ पर सरयू में घूम सकते हैं मोटर बोट से। और ये पूरा एरिया है सरयू का देख सकते हैं, अभी जलस्तर कम हो गया है और पानी कम है। बाकी ये सामने की तरफ ये पूरा घाट जो है बनाया गया है, जो हम आगे अभी थोड़ा सा दिखाते हैं आप सभी को। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये घाटों का नज़ारा है। यहाँ पर लाइन से ढेर सारी बोट लगी है और यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और छोटी मोटी दुकानें यहाँ पर आपको जैसे कि भेलपूरी और पॉपकॉर्न जिसे मक्का बोलते हैं वो चीज़ आप सभी को खाने के लिए मिल जाएंगी। बाकी टिन शेड लगी हैं, छतरियाँ बनी हैं, जहाँ पर आप बैठकर आराम से जो है एंजॉय कर सकते हैं, सरयू का घाट का नज़ारा देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा विकसित कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये ऐसे नज़ारा है यहाँ का कुछ। इसको लोग जो है पिकनिक स्पॉट की तरीके से जानने लगे हैं। इतनी पवित्र जगह पर भी आयासी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड लेकर आके बैठते हैं इन सरयू के घाट पर। देख सकते हैं यहाँ से ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा जो है सुंदर है यहाँ से पूरा घाट का। और यहाँ पर बहुत बड़ा सा पार्किंग एरिया भी है। चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं ये है महाराणा प्रताप का प्रतिमा, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्थापित करवाया है। देख सकते हैं घोड़े पर सवार है महाराणा जी। और यहाँ पर जो है एक बोर्ड लगा है जिसपे सारा उल्लेख है। और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्यारी और ये लगनी थी, जो अभी पौधे तो सूख गए हैं, है नहीं। बाकी ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे शिलापट लगे हुए हैं ये, और इस तरफ घाट का एरिया है पूरा। तो यहाँ पर महाराणा जी की प्रतिमा है जो काफ़ी ज़्यादा विशाल है, उसे महाराणा प्रताप ग्रीन पार्क के नाम पर डेवलप किया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर घास वास तो कुछ भी नहीं है, खाली खाली है, पार्किंग जैसी व्यवस्था लगती है। लेकिन यहाँ पर जो है सामने की तरफ है कंपनी गार्डन, जो फैजाबाद का मोस्ट पॉपुलर जगह है। और इस तरफ में देख सकते हैं ये है महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, जो मैं इधर से दिखा दूँ, ये रही। और यहाँ पर आप फोटो टो क्लिक कराने के लिए लोग आते हैं, देख सकते हैं ये लोग आए थे, सब जा रहे हैं यहाँ से। और ये है वो, यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा स्थान खाली है। तो यहाँ पर पार्किंग अभी फ़िलहाल है, लेकिन ये पार्क के नाम से डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ आसिक टाइप के भी लोग आते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। बाकी काफ़ी खूबसूरत सा ये है। और यहाँ पर इस जगह को दिखा दिया पूरा, चलते घाट की तरफ। देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सब ऐसे घूम रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये जगह थी सरयू गुप्तार घाट, जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम इसी
जगह पर जल समाधि लिए थे जैसा कि मैंने बताया। तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जो कुछ बचा है वो हो रहा है। तो ये वीडियो देखकर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे और सब अच्छी अच्छी वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं, मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।